व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ गोल्ड? 1 kg. ठीक है, चलो ये कितने का भाव है? 72,230. कितने रुपए का भाव है? कितने ग्राम का? 10 ग्राम. यानी 10 ग्राम का डिस्प्ले है, समझो 10 ग्राम का डिस्प्ले है. डिस्प्ले की कितनी क्वांटिटी ले कि 1 किलो हो जाए? 10-10 ग्राम की कितनी यूनिट ले? 100 यूनिट, यानी 1000 ग्राम. और 1000 ग्राम बोले तो 1 किलो. यानी व्हाट इज द लॉट साइज गोल्ड का? 100. फंडा समझ में आ रहा है? और 100 का लॉट है और 1 ग्राम मतलब 10 ग्राम पे अगर 100 रुपए बढ़ रहा है, 10 ग्राम पे 100 रुपए बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा? 10,000. सिंपल, 100 का मोमेंटम, 100 का लॉट, 10,000 का PNL. ये स्टैंडर्ड लॉट की बात हो रही है. ठीक है, इससे छोटे वाले लॉट की अपन ने बात करी थी, गोल्ड एम. गोल्ड एम में कितना हो रहा है? गोल्ड एम में डिस्प्ले 10 ग्राम का ही है, 72,000. हाँ, गोल्ड एम बोले तो गोल्ड भी नहीं, डिस्प्ले 10 ग्राम का है. 10-10 ग्राम की कितनी यूनिट लूं कि 100 ग्राम हो जाए? क्योंकि ये ओवरऑल लेना है आपको 100 ग्राम. अब 100 ग्राम में 10-10 ग्राम की कितनी यूनिट होगी? 10. यानी व्हाट इज द लॉट साइज? 10. अगर ये 100 रुपए मूव किया ऊपर की तरफ तो कितना मिलेगा? 1000. उसका 10वां हिस्सा, बड़े लॉट का 10वां हिस्सा. ठीक है, चलो अब गोल्ड गुनिया. कहाँ है ये रहा? गोल्ड गुनिया 8 ग्राम. ये डिस्प्ले भी 8 ग्राम का है, लेना भी 8 ग्राम है, 8-8 ग्राम का एक. 8 ग्राम कितने का पड़ रहा है? 58,800. अब ये 100 रुपए ऊपर चला गया तो कितना प्रॉफिट आएगा? पक्का 8-8 ग्राम का एक ही यूनिट है ना, तो 1 रुपए का ही दे रहा है प्रॉफिट लॉस हो, काइंड ऑफ. लेकिन मोमेंटम फास्ट है, क्यों भाई? 8 ग्राम है, मोमेंटम फास्ट देगा. ठीक है, तो 800 रुपए का आपका. ठीक है, चलो आ जाओ. 8 ग्राम. ठीक है, एक 8 ग्राम का है. आ जाओ, पेटल कहाँ है? पेटल, पेटल 7,107 रुपए. कितने का रेट है ये? 1 ग्राम. खरीदना भी 1 ग्राम में. अगर ये 100 रुपए ऊपर हुआ तो 100 का प्रॉफिट, 100 नीचे हुआ तो 100 का लॉस. 1 ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम का. क्लियर है? 4 लॉट गोल्ड के अंदर हो गए. इसको खरीदने में लगेगा 650. गोल्ड मिनी को खरीदने में लगेगा आपका 67,000, यानी 67,000. और गोल्ड स्टैंडर्ड को खरीदने में लगेगा आप लोगों का 6.5 लाख. और गोल्ड गुनिया खरीदने में 4,000-5,000 रुपए लगेगा. दैट्स इट. ये 4 गोल्ड के अंदर लॉट है ये. वैसे सिल्वर के अंदर भी लॉट है, सिल्वर के अंदर, सिल्वर भी 3 लॉट के अंदर चलेगा. सिल्वर स्टैंडर्ड, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो. सिल्वर का डिस्प्ले पूरा 1 kg का है. सिल्वर स्टैंडर्ड 30 kg, 5 kg और 1 kg. 95,000 पहुंच गई थी सिल्वर, पता है ना? अभी वापस थोड़ी सी घट गई है कल के कारण, कल थोड़ा सा डाउनफॉल आया. 30 किलो 95 के हिसाब से जोड़ लो, कितने रुपए का पड़ेगा एक लॉट? 30 kg, 27 लाख. 27 लाख का 10% कितना होता है? 2,70,000. यानी स्टैंडर्ड लॉट कितने का पड़ेगा? 2,70,000. और 1 रुपए ऊपर हुआ तो 30 रुपए का प्रॉफिट, 30 रुपए का लॉस. उससे छोटे वाले में 5 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए का लॉस. डिस्प्ले कितने का होगा? 1 किलो का. ठीक है, सिल्वर का डिस्प्ले 1 किलो का ही होता है, सब में, सब में डिस्प्ले सब में 1 किलो का ही है. देखो ये रहा सिल्वर, बट रेट सबके अलग अलग है. सिल्वर का रेट अभी चल रहा है 90,721. ये सिल्वर, सिल्वर एम, सिल्वर एम का रेट चल रहा है 90,475. ठीक है, और सिल्वर MIC
सिल्वर MIC उसका रेट चल रहा है 90,700। तीनों के रेट अलग अलग हैं, तीनों में फ्लक्चुएशन अलग अलग होगा। बड़े लॉट में फ्लक्चुएशन रियल टाइम का होगा, उससे छोटे वाले में थोड़ा सा स्लो, उससे छोटे वाले में और भी स्लो। ये कितने में आ जाएगी? 1 किलो सिल्वर ₹11,000 में, ₹1,000 बढ़ा अगर 1 किलो में तो ₹1,000 का प्रॉफिट, घटा तो ₹1,000 का लॉस। क्लियर? ये सिल्वर MIC और सिल्वर M। हाँ जी, हाँ इसको भी ऐड करना, ये तीनों ऐड करो। सिल्वर 5 किलो वाला ₹60,000, और सिल्वर केवल ये पड़ेगा ₹361,000 का 30 kg का एक लॉट। हाँ जी, सब में फ्यूचर ही है। कमोडिटी केवल डेरिवेटिव ही बाय कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग हो रही है। ये सब तीन ऐड कर लो, ये सिल्वर जून का नहीं होगा, जहां गोल्ड होगा वहां सिल्वर नहीं होगा। जैसे गोल्ड का जून का है ना, सिल्वर नहीं होगा जून का, वो उसके बाद के मंथ का होगा, जुलाई का होगा। एक एक महीना छोड़ के जब गोल्ड होता है तो सिल्वर नहीं होगा, और जब सिल्वर होगा तो गोल्ड नहीं होगा। यानी जो अल्टरनेट, हाँ जो अल्टरनेट नंबर में फंस रहा है ना, उसमें सिल्वर आ रहा है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट लंबे हैं थोड़े से इसके अंदर, और मुझे लगता है आप लोगों के लिए एक ये इवन ये भी जा सकते हो और ये भी जा सकते हो। स्टैंडर्ड लॉट अभी हाल फिलहाल नहीं, ठीक है, नो स्टैंडर्ड लॉट, क्योंकि बहुत हाई वॉलिटिलिटी होती है। इसको देखने के लिए आपको USA मार्केट देखना पड़ेगा, फॉरेक्स देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल गोल्ड के रेट देखना पड़ेंगे। अनटिल अनलेस यू कैन नॉट मॉनिटर गोल्ड सिल्वर, ये बहुत हैवी मोमेंटम देते हैं। हाँ जी, गोल्ड बेटर, मोमेंटम बहुत स्लो है, बाय कर सकते हो बट 1 ग्राम है, बहुत ही स्लो है ना, बहुत स्लो। इसमें मल्टीपल लॉट में जा सकते हो, 1 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट यू कैन बाय। कितने लॉट हो गए टोटल? 7 लॉट ये हो गए। चलो अब एक काम करो, अब ऐड करो ये बेस मेटल्स। अब मेरे को लॉट साइज बताते जाओ वन बाय वन सबके। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनी, कॉपर, लेड, लेड मिनी, मिनी का मतलब समझ रहे हो ना, छोटा लॉट। आपकी सहूलियत के लिए छोटा लॉट दे दिया है, परचेसिंग पावर कम लगेगा, प्रॉफिट भी कम, लॉस भी कम। निकल, स्टील और जिंक मिनी भी होगा नीचे। एल्यूमिनियम का 31 मई का बता रहा है, 31 मई का। जून का बता रहा है सर, 5 MT क्या है? 5 MT, 5 मेट्रिक टन, 5,000 किलो एल्यूमिनियम सिंगल, 5,000 किलो खरीदना है आपको। क्या? हाँ, ₹237 किलो प्रति किलो का रेट है, खरीदना है 5,000 किलो। और रेट कितना कितना रुपए लग रहा है मार्जिन? एल्यूमिनियम मिनी देख रहे हो क्या? 1,34,000 बड़े वाले में, 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ एल्यूमिनियम तो ₹5,000 आया और गया, 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो 5,000। लॉट साइज ही 5,000 का है भाई साहब। जून में रुक जाओ, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं ऐड कर ही लेता हूँ ना। देखो एल्यूमिनियम मई का तो अब ऐड करना ही नहीं है, मई तो ऑलमोस्ट खत्म है, तो अपन ऐड कौन सा कर दे? एल्यूमिनियम और एल्यूमिनी जून का ऐड कर दे, ये दोनों ऐड कर दिया। देखो एल्यूमिनियम जो है जून का वो 238 रुपए किलो पड़ रहा है, ₹238 किलो, 1 किलो का डिस्प्ले है, और खरीदना कितना है? 5,000 किलो। एक्चुअल भाव आ रहा है 1,34,000, दिस इज द एक्चुअल प्राइस।
क्लियर है, एक रुपये ऊपर नीचे हुआ, ये 238 से 239 हुआ, 5000 रुपये, ठीक है। बाय करो सेल करो दोनों में इतना ही पैसा लगेगा। अब एलुमिनी, एलुमिनी का भी रेट कितना चल रहा है, 238 रुपये 80 पैसे। बढ़िया, खरीदना कितना है, ये 1000 किलो खरीदना है, कितने पड़ रहे हैं, 26000 रुपये, 27000 रुपये का पड़ रहा है ये एक मिनी का लॉट, 1000 किलो है। अब एल्यूमिनियम है, मेटल है, मेटल कहाँ से चलते हैं, यूरोप से, तो यूरोपियन मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो इसलिए मेटल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। मेटल्स को यूरोपियन मार्केट से चलाया जाता है, दैट्स व्हाई मेटल पकड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेटल्स पे अगर कोई न्यूज आ रहा है, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकेल, कॉपर, इन पे कोई न्यूज आ रहा है, तो ही आप जाइए ट्रेड करने पे, अदरवाइज रैंडम ट्रेड नहीं करना, टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करना इस पे, क्योंकि ये टेस्ट एंड ट्रायल वाले नहीं है, ये या तो क्लियर है, तो डोंट टेस्ट एंड ट्राई। लॉट बहुत हैवी है, 500000 रुपए तो ये ऑर्डर लेते से ही कर देगा, 500000 ऑर्डर लेते से ही कर देगा। अरे 10 पैसे में तो 500 माइनस, हाँ स्प्रेड ही ले लेगा इतना, तो 20 पैसे हुए 1000 रुपए, क्लियर है। तो प्लीज मेक श्योर दैट चलो और आ जाओ इसके नीचे और ऐड कर लो सारे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनी, लेड, लेड मिनी, जिंक, जिंक मिनी, जहां जहां 5000 के लॉट हैं उनमें लॉट साइज छोटे भी हैं, लिख देता हूं मैं, 5 MT, 1 MT, 2.5 MT, 5 MT, 1 MT, 1.5 MT, स्टील 5 MT, 5 MT, 1 MT, दिस इज द लॉट साइज, और ये सब दिए हुए हैं, हाँ जी। कॉपर का आ रहा है 2,07,000, ये इसका रेट होगा यार, एक स्टील देख लेना, स्टील देख लेना एक बार, स्टील शायद एक मेट्रिक टन का रेट होगा, 48,000 या 50,000 समथिंग होगा स्टील। आज सेटलमेंट हॉलीडे है, अच्छा ठीक है, इसलिए नहीं होगा स्टील 5 मेट्रिक टन। डिस्प्ले कितने का है स्टील का, ट्रेड नहीं होगा ज्यादा, अभी आया, नया नया आया, ठीक है, हाँ आ गया नया, नहीं 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 MCX, MCX ये एक और देख लो, ये ऐड कर लिए, तो ये ऐड कर लो, क्रूड, क्रूड मिनी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मिनी, ये ऐड तो करो एक बार, फिर उसके बाद में अपन वन बाय वन करते रहेंगे। कच्चे तेल का लॉट है 100, छोटे का 10, नेचुरल गैस का 1250 और 250। कच्चा तेल हमेशा बैरल में होता है और नेचुरल गैस हमेशा MMBTU में होता है। निकल, अरे बोल्ट आते हैं ना निकल के, इसका चार्ट देखो, हाँ नहीं होगा ना चार्ट, सबसे ज्यादा चलता है ये, फिनिश ये सबसे ज्यादा चलते हैं, और इधर बात करेंगे तो ये सारे, और इधर बात करेंगे तो ये सारे, किसी के कॉटन वॉटन उगता हो तो कॉटन भी ले लेना, ये हाँ है तुम्हारे यहाँ, जिसका खेत हो कॉटन वॉटन का है तो बस ले लो, कर लिया ऐड, मैं सबका वॉच लिस्ट देखूंगा, मैं सबका वॉचलिस्ट देखूंगा, मुझे कम्युनिटी में ये सारे एड ऑन चाहिए,
लाइन से वन बाय वन। हाँ जी सर, सर ऐड करना ही पड़ेगा। नहीं 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 सर, ये भी ऐड करना ही पड़ेगा, मस्ट सर। सर ऐड करना पड़ेगा सर, मस्ट। आएगा सर, आएगा सर, आएगा। एन ए टी कर दो, नेट, एन ए टी, नेट, नेट, नेट कर दो। मिल गया, देखो मान ही नहीं सकता नहीं आएगा। अरे अलग अलग है यार कॉटन, ये डिफरेंट है, क्वालिटी ग्रेड्स अलग अलग है। कॉटन वो बेल आता है, कॉटन बेल रॉ वाला है, और ये थोड़ा सा वो कैंडी टाइप की, कॉटन कैंडी है ये, कॉटन कैंडी। सुना है, अलग अलग, अलग अलग है, ग्रेड्स अलग अलग। कर लो यार। हाँ कोई इशू नहीं, अगर ऐसा कर आपको बायफोकेट करना है तो बायफोकेट करके भी बना सकते हो, दैट इज क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं अपने को। मिल जाएगा, एनएटी डालो, एनएटी नेट करके डालो तो मिल जाएगा, नेट, नेट करके डालोगे तो नेट मिनी करके मिल जाएगा। कितना रुपए लग रहा, चलो बताओ। भाई तुम्हारे खेत में अगर कपास और कॉटन अगर है तो ही करना, नहीं तो यहाँ फिजिकल लेना पड़ गई तो कहाँ रखोगे भाई। इसके घर में तो है, ये तो खपा देगा। मिनी है, एन ए टी डालो, एन ए टी, एन ए टी गैस मिनी। नहीं मिल रहा, किसको नहीं मिला अभी तक? नेट गैस मिनी, नेट गैस मिनी मिल गया। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं यार, ये तो नेचुरल गैस है। क्योंकि अपना स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा है, दोनों थोड़े से इन्वर्स चलते हैं। चलो पैसा कितना लग रहा है बता दो मेरे को फटाफट, क्रूड ऑयल में पैसा बताओ कितना लग रहा है एक बड़े लॉट में खरीदने में। हाँ कॉटन कैंडी है ना, क्रूड, क्रूड में पैसा बताओ। बैरल है, बैरल है वो, दो लाख, दो लाख 21,000 में 100 बैरल आ जाएगा। 100 बैरल, एक बैरल में कितना लीटर, एक बैरल के अंदर होता है 158.98 लीटर्स, यानी ऑलमोस्ट 159 लीटर्स मान लो। आपको 100 बैरल लेना है, एक रुपये ऊपर नीचे हुआ तो गोल्ड की तरह इसमें प्रॉफिट लॉस कितना होगा, 100 रुपये का। उसका जो मिनी लॉट है उसमें कितने का होगा, उसका 10%, 10 का। नेचुरल गैस 1250 का लॉट है, MMBTU, मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट, गैस को नापने का यूनिट है, क्लियर है। 1250 का प्रॉफिट होगा डिस्प्ले में, और उसके बाद नेचुरल गैस का छोटा लॉट 250 का। ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल दो स्टॉक है, सबसे ज्यादा। BBL बैरल, ये हाँ एक बैरल में 158.98। चलो यहां तक मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को आपके इसके मूव के साथ में। अब कल जब आप आओगे तो मेरे को इसका आज का रात का 11:30 बजे तक का मूव, सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंटम करता है, गैस, क्रूड, गोल्ड या सिल्वर या मेटल्स, रात को 11:30 बजे के पहले पहले 7 बजे से इनमें मोमेंटम तेज हो जाता है बिकॉज ऑफ यूएसए सेशन। यूएसए सेशन सबसे ज्यादा मोमेंटम देता है इसके अंदर, क्लियर है। तो मेक श्योर 7 बजे के बाद में मूव देख लो, 7 बजे अमेरिका खुलता है। अरे इंस्पायर्ड है ना डियर,
गोल्ड कहां से चलता है? अमेरिका से मार्केट का फर्क पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, गोल्ड कहां से चलता है? हमारे से नहीं, हमारे वही तो बोल रहा हूं। तो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स इज व्हाट? डिफाइन फॉरेक्स। फॉरेन मार्केट। फॉरेन बोले तो अब गोल्ड है ना, फॉरेक्स में डिलीवरी मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी डिलीवरी? अमेरिका में। तो मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदे बेचे जा रहे हैं वो कहाँ पे खरीदे बेचे जा रहे हैं? अमेरिका में। तो अमेरिका में गोल्ड का रेट अगर बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ेगा, डॉलर का रेट अगर वहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। तो अमेरिका से ही चलना है ये सारी चीज़ें।